बरनाला नगर परिषद कार्यालय के सामने प्रॉपर्टी एसोसिएशन कॉलोनाइजर्स डीलरों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा, लेकिन इस दौरान प्रशासन का कोई अधिकारी धरने पर नहीं पहुंचा। विरोध को लेकर पदाधिकारी नरेंद्र शर्मा, जिलाध्यक्ष राकेश कुमार, शशि बंसल, सुरेंद्र बिट्टू, राजेश राजू ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पिछले कई महीनों से प्लॉटों और संपत्तियों की एनओसी बंद होने के कारण वे उस पैसे का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी पैसे नहीं दे रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी की खराब नीतियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के राजस्व से राजकोष को बड़ा बढ़ावा देने वाला व्यापारी आज सड़कों पर बैठने को विवश है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की ओर से लगाई गई बेवजह की शर्तों के चलते पंजाब में प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लाखों डीलर सरकार के मनमाने फरमानों का विरोध करते हुए इसे वापस लेने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। इस मौके पर गौरव कुमार, विजय कल्याण, एमसी धर्म सिंह फौजी, गुरजिंदर सिंह सिद्धू, संजीव अरोड़ा, राजेश, भूपिंदर शर्मा, रुपिंदर आहलूवालिया मौजूद रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। विजय, मसला पंजाब सरकार ने एक पॉलिसी लेके आंदी है प्रॉपर्टी दे कम्मां धंधा वास्ते, रिश्तियां वास्ते, एनओसीयां वास्ते एक पॉलिसी लेके आई है पंजाब सरकार। वो पॉलिसी इन्नी गुंझलदार है ते आम पब्लिक दे लई बहुत ही नुकसानदेह पॉलिसी है। वो नुकसानदेह यह है जी, जिवें हुण कोई आपां प्लॉट है, आपां प्लॉट अपना पहला 10 बिस्वे सी, मान लो आपां उहदे विच्चों 5 बिस्वे बेचता, हुण असीं तुसीं दूजरा 5 बिस्वे नहीं बेच सकते, ये एनओसी नहीं दे सकते, ये पॉलिसी दे विच है। दूजा जिवें हुण अपनियां कोठियां पुरानियां पईआं होईआं, आपां म्यूनसिपैलिटी तों नक्शा पास करा लिया, नक्शा पास करा के आपां कोठी पा ली, हुण उत्ते सीवरेज भी पै गया, वाटर सप्लाई पै गई, मीटर कनैक्शन भी लग गया, उत्थे मौत सर्टिफिकेट भी बन गया, उत्थे डैथ सर्टिफिकेट बन गया, पासपोर्ट भी बन गया, पर पॉलिसी की कहती है तो इतों की तहसीलदार मैडम की कहती है भी तुसी उस कोठी की रजिस्ट्री नहीं करा सकते।